समस्तीपुर पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का किया खुलासा। बिहार के समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ में पूर्व से चल रहे विवाद जमीनी मामले को लेकर देवनारायण राय की हत्या की घटना को बिहार पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझाते हुए घटना में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पुष्टि समस्तीपुर कनमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने किया है। दिनांक 8/6/24 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत जितवारपुर के पास एक मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी और दो आदमी बुरी तरह जख्मी हैं। इस कांड को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम को गठित किया गया था और SIT टीम सक्रिय होकर के इस कांड का अनुसंधान कर रही थी। FSL की टीम को भी बुलाया गया और लगातार छापामारी चल रही थी। कांड का उद्भेदन भी कर लिया गया है, सभी अभियुक्तों को चिन्हित भी कर लिया गया है और इसमें कांड 199/24 दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में छापामारी के क्रम में दो अभियुक्त रामप्रीत राय और जो मुख्य अभियुक्त हैं विकास कुमार, उनकी माता किरण देवी को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों घटनास्थल पर मौजूद रहने की बात बताई गई है। पीड़ित परिवार के द्वारा कुल 13 अभियुक्तों को नामजद बनाया गया है। सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। साथ ही दो व्यक्ति जो अभी गंभीर रूप से जख्मी थे, जिनका इलाज चल रहा है, उनके स्वास्थ्य के संबंध में भी बेहतर चिकित्सक महोदय ने बताया गया कि सुधार हो रहा है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी है।